ये देखिए लग रहा है ना कितना टैम्पटिंग, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और एकदम खाने का मन कर रहा है। कलर भी कितना बढ़िया आया है। आज हम इसको बिना तंदूर के बनाएंगे, यानी नॉनस्टिक पैन में बनाना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मानसी। आज हम बनाएंगे तंदूरी पनीर टिक्का मसाला, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक कप कर्ड लेंगे। यहाँ मैंने हंग कर्ड लिया है, यानी कि दही जो है वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच कैरम सीड्स यानी अजवाइन, एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एक से डेढ़ चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च मसाला डालेंगे। इससे कलर अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर ऐड करेंगे। और ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाती है तो भी कोई बात नहीं है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ बेसन। यहाँ मैंने बेसन को पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट किया हुआ बेसन ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आप कच्चा बेसन ऐड कर देंगे तो उसकी स्मेल आने लगेगी, तो हल्का सा रोस्ट कर लीजिए बेसन को, फिर ऐड कीजिए। थोड़ा सा क्रश करके कस्तूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे। इसका टेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे डेढ़ चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर और एक चम्मच भर के अब इसमें हम डालेंगे तंदूरी मसाला। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप क्रश करके काली मिर्च भी यहाँ पे ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जायफल यानी कि नटमैग। इसको हल्का सा क्रश करके इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं। ग्रेटर से हल्का सा ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, इससे जो हमारे टिक्का बनेंगे वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। अब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, तो लगभग दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेना है। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो ये हमारा मैरिनेशन बनके तैयार हो गया है। इसमें हम मैरिनेट करेंगे हमारे पनीर पीसेस को, जिनको मैंने काफ़ी मोटा रखा है, क्योंकि टिक्का बना रहे हैं तो उसमें पनीर पीसेस थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं। उसी के साथ लिया है मैंने अनियन और कैप्सिकम, इनको भी हम स्क्वायर में कट करेंगे क्योंकि अभी हमें इनको स्टिक्स में लगाना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। जब तक हमारा पनीर मैरिनेट हो रहा है तब तक हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं, जो अक्सर पनीर टिक्का के साथ बाज़ार में मिलती है। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे फ्रेश धनिया। अगर आपको पुदीना मिल जाता है तो आप हाफ़ धनिया और हाफ़ पुदीने की क्वान्टिटी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर धनिया ही यूज़ किया है। इसमें हम लेंगे तीन से चार हरी मिर्च, या जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो उतनी आप ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे और इसमें हम डाल देते हैं एक छोटा चम्मच करीब जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ बाउल कर्ड। इस चटनी में कर्ड ज़रूर पड़ता है, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको चर्न कर लेंगे और ये चटनी हमारी टिक्का के साथ खाने के लिए एकदम तैयार है। अब मैंने यहाँ पे ये स्क्यूअर्स लिए हैं। जब हमारी सभी सब्जियाँ मैरिनेट हो जाएंगी तो हम इस तरह से इनको स्क्यूअर्स में लगाएंगे। तो पहले थोड़े से कैप्सिकम लगा दीजिए, अनियन लगा दीजिए, फिर एक पनीर का क्यूब हम इसमें लगाएंगे और इसी तरह से हम इसको स्क्यूअर्स में लगाते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो भी ले सकते हैं, टमाटो को भी मैरिनेट करके लगा सकते हैं। मैंने टमाटो यूज़ नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल नॉनस्टिक पैन लिया है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है।
ऑयल गरम है, जब ऑयल गरम होगा तब हम इसमें जो हमने स्क्यूअर्स बना के तैयार किए हैं वो इसमें रख देंगे और एकदम लो फ्लेम पे हम इसको कुक होने देंगे। अगर आप इसको एकदम हाई फ्लेम पे करेंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से एकदम ब्राउन कलर की हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो मसाला है वो कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। ये देखिए एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, अब हम साइड को चेंज कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल नॉनस्टिक पैन में बताया है क्योंकि कई बार लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे घर में तंदूर नहीं है तो हम पनीर टिक्का मसाला कैसे बना सकते हैं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए आपको हर कुछ सेकंड में साइड चेंज करनी है और चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से सेकना है। फ्लेम को लो पे रखेंगे या मीडियम पे रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं करना है। अब ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया पनीर टिक्का मसाला बनके तैयार हुए हैं जिसमें हमने तंदूरी फ्लेवर दिया है। और इसी तरह से सभी हम पनीर टिक्का मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए तैयार हैं तंदूरी पनीर टिक्का मसाला, जिसे देखते ही खाने का मन कर रहा है। बहुत ही अच्छे बने हैं, आपको यकीन नहीं होगा बाज़ार से बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। और घर में थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इसे बना सकते हैं, एकदम फ्रेश में हैं, एकदम प्योर बने हैं। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिए और आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।